व्हाट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो एक्स माइनस वाई की पावर एन में जो आर प्लस वन एथ टर्म होती है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और माइनस वाई की पावर आर। इसमें आर प्लस वन एथ टर्म अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, नाइन सी आर थ्री एक्स पावर माइनस टू अपॉन टू की पावर नाइन माइनस आर माइनस वन अपॉन थ्री एक्स की पावर आर। हमें केवल एक्स से मतलब है तो एक्स की पावर माइनस एटीन प्लस टू आर और यहाँ से माइनस आर। तो एक्स की पावर जो मिल रही है हमें वो मिल रही है आर माइनस एटीन। अब ये आर माइनस एटीन जब इससे मल्टीप्लाई होगा किससे, वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स क्यूब से। मान लो मैं एक्स की पावर आर माइनस एटीन को मल्टीप्लाई कराता हूँ, जब इससे कराऊंगा तो आर माइनस एटीन जीरो होना चाहिए, है ना, टर्म इंडिपेंडेंट हो उसके लिए। जब इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आर माइनस एटीन प्लस वन जीरो के इक्वल होना चाहिए यानी कि सेवनटीन, और जब इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आर माइनस एटीन माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो आर आएगा फिफ्टीन। तो आर फिफ्टीन होगा, एटीन होगा या सेवनटीन होगा, लेकिन तीनों में कॉमन वैल्यू कोई नहीं आ रही ना, तो नो सच टर्म एग्जिस्ट इन दिस एक्सपेंशन। अगर कॉमन वैल्यू आ जाती एक तीनों से तो हो जाता, लेकिन यहाँ कॉमन वैल्यू नहीं आ रही तो नहीं हो सकता है।